गडकरी जी ने बताया कि हम एक अमीर देश में रहते हैं जिसमें बहुत गरीब लोग हैं। तो मुझे पहली बार पता चला कि हमारा देश बहुत अमीर है, क्योंकि तो यहाँ 80-83 करोड़ लोग जो हैं वो अभी आपका मनीष जी जवाब सरकार सर की पूरी हो जाए जी। के राशन पर जिंदा है। तो ऐसा रईस देश तो हमने पहली बार देखा कि देश में लोग एक तरह से सरकार से गेहूं मिले तो उनका पेट भरता है। ऐसा रईस देश मैं पहली बार देख रहा हूं जहां करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, अर्ध बेरोजगार हैं। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक देश बहुत रईस है लेकिन उसके जो लोग हैं उनके अधिकांश बच्चे जो हैं इस प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा नहीं पा रहे, उनको भोजन नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह। तो अब गडकरी साहब सरकार में मंत्री, तो भाषण किसको दे रहे हैं? वो कैबिनेट में मंत्री होते हैं, बहुत पावरफुल मंत्री हैं और राजमार्ग बनाते हैं, बड़ा उनका जलवा भी है। तो ये जो भाषण दे रहे हैं मोदी जी को बतावे ना, ये किसे बता रहे हैं? तो हमको समझा रहे हैं कि ये हमने मान ली उनकी बात, बहुत संवेदनशील व्यक्ति, इसका कोई हल निकलना चाहिए ना कि खाली आप कहानी सुना रहे हैं कि हमारा देश बहुत गरीब है, गरीब लोग रहते हैं कि हम बहुत अमीर हैं। दोनों मोदी जी इसको कोई सवाल किया नहीं, सवाल ना भी करें, सुझाव दे कि भाई मेरा सरकार को सुझाव है इस बड़ी स्थिति से सटीक बात निपटना की है चाहिए। आपने, बड़ी सटीक बात की है। जनता को बताने से क्या होगा? हाँ, आपके जब ये मीटिंग तो आप होती है आपकी हमको प्रधानमंत्री जी से, तो ये अपना उस कैबिनेट में वक्तव्य रखिए। बड़ी सटीक बात है जी। कैबिनेट में बात कहिए, आप ये बताइए, मांग करिए, प्रधानमंत्री से मिलिए कि भाई ये परिस्थितियां, मैं सोचता हूं कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि इस रईस देश में गरीब लोग ना हो। एक अब हाउस बोले जी आ गए। और अभी मैं जो अपने मोहन भागवत उनकी चिंता, ये पूरी डिजाइन आप समझिए इसको, और गोले जी ने जो कहा वो और खतरनाक है कि 23 करोड़ लोग कितने भूखे हैं, क्या है, मैं उसके आंकड़े पूरे भूल रहा हूँ। तो उससे पढ़ के लगा कि भाई ये तो आरएसएस के लोग बहुत चिंतित हैं। ये चिंता किससे व्यक्त कर रहे हैं ये तो हमको बताओ। ये चिंता अमेरिका से व्यक्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान से व्यक्त कर रहे हैं कि बांग्लादेश से व्यक्त? अरे भाई उन्हीं के लोगों की जो सरकार है, क्या आरएसएस के लोग प्रधानमंत्री से मिले? या आरएसएस ने कोई इमरजेंसी बैठक बुलाकर उससे प्रस्ताव पारित किया कि भाई ये बड़ी खराब स्थिति है, सरकार इसकी ओर कुछ कदम उठाए? मोदी जी चश्मा लगाकर स्वीडन में कार चला रहे हैं, आप बता रहे हैं देश बहुत गरीब, यहां भोजन नहीं है। तो अब ये जो भोजन नहीं है तो फिर यहाँ के लोग चश्मे से कार कैसे चलाएंगे? और उसकी बड़ी कहानी है, 72 देशों में 5G है हमसे पहले, कहीं कोई ब्रांडिंग नहीं की गई। अरे भाई ठीक है, एक टेक्नोलॉजी आ गई, अच्छी बात। अरे एक और सोच है कि बांग्लादेश जितना हमसे, 2G के स्कैम की चर्चा थी जो आज तक साबित नहीं हुआ, उतने में नहीं बिकाए। हाँ, और सुनिए तो बांग्लादेश 5G हमसे कई महीने पहले शुरू कर चुका है। और ऐसे 5G का ब्रांडिंग की गई जैसे दुनिया में 5G नामक जो हथियार है भारत के पास आ गया। बहुत अच्छी बात है 5G, इसका बहुत जगह पर तो 6G का ट्रायल होने वाला है। ये 5G भी देश में, इस दुनिया 72 देशों के पास है, और छोटे छोटे वो साउथ अफ्रीकी देशों के पास आप भी तो है। कमियां ढूंढ ढूंढ के अगर लाते रहते हैं, तभी तो लोग सुनते नहीं आपकी बात। सुनिए तो मैं कमियां नहीं दूं, अगर 5G आज आने से तरक्की हो जाती तो 5G के उसमें अंगोला, अंकोला, पता नहीं कौन कौन में, तो राष्ट्रों के मैंने जो सूची निकाली गूगल से पता चला, जिन राष्ट्रों का आप नाम नहीं जानते उनके पास भी 5G है।
और मैं आपके दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि 5G, अरे भाई उंगली का हर समय करने के मूड में, तो बात तो सुन लो, हमारे बाद ही नंबर मिलेगा, आप कोई तत्व बदल नहीं देंगे। 5G दुनिया में सबसे पहले साउथ कोरिया में आया था, ठीक, और म्यांमार तक के पास ये 5G है, और बांग्लादेश तो गरीब देश है, म्यांमार से ही तो घुसेगा, वहीं से तो घुस सकते हैं, हम घुसेंगे तो हिसाब से ही। आप भी फिर बेमतलब की बात करते हो। अब ये हो सकता कि ये बता रहे कि देखो पाकिस्तान के पास नहीं हमले आए, खैर मैं उस पर नहीं जाता, मैं तो एक बात कह रहा हूं, बताएगा कि इस चश्मे से, अभी एक रिपोर्ट आ रही है कि इस चश्मे से डिजिटल रैंकिंग में मोदी जी कितना ऊपर हो गए। मैं इसलिए उठाता हूं, उनका विरोध नहीं करता, बहुत शक्तिशाली नेता, वो आज भी इस देश में नंबर एक के नेता, दुनिया में भी उनका बड़ा जलवा है, लेकिन वो जिस ढंग से हम लोगों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं चश्मे के पीछे, वो कहीं तकलीफ आए। बिल्कुल, अब होश बोले जी मैं आ जाऊं जो असली बात है, मुद्दे की आए, ये किससे डिमांड कर रहे हैं? हमसे डिमांड कर रहे हैं, हमको बता रहे, हमको तो मालूम है कितने लोग बेकार हैं। अरे सरकार को बताइए, सरकार से इसे सॉल्व कराइए, ये एक नाटक चल रहा है। आरएसएस वाले सब जगह जनता में कहेंगे, जो इनके संपर्क यार जब चुनाव में चलाएंगे, भैया हम पूरी तरह लगे हुए हैं, क्या करें सरकार नहीं सुन रही है। इसके पहले वो जो अपने मोहन भागवत जी थे, वो चले गए इलियासी के पास, वहां उन्होंने नया राष्ट्रपिता बता दिया। अब बाप तो एक ही होता है हमेशा, वो बाप हो गए। चलिए सर, समय समय सबको मौका मिल जाए,